मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने बी एल आई एस 09105 को देख रहे हैं और 09 और 105 में हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी में हमने 3 टोपोलॉजी कर ली है कंप्लीट। अब चलनी है हमारी मैश टोपोलॉजी पर, तो चलिए शुरू करते हैं समय व्यर्थ न करते हुए। तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर करना है, जिससे इंपॉर्टेंट PDF और क्वेश्चन आंसर के आपके PDF आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी कि लेसन यानी यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 2 और टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं। और टोपोलॉजी में हम क्या करना है, मैश टोपोलॉजी पे आ गए, यानी कि बस हमारी कंप्लीट हो गई, स्टार कंप्लीट हो गया, रिंग कंप्लीट हो गई। अब हमें आना है मैश पे, फिर हमारा ट्री है और फिर हमारा हाइब्रिड है। तो यानी कि 6 वीडियो मिलनी है आज आपको, 6 की 6 हमारी हम यानी कि इस तीन को कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं मैश टोपोलॉजी पे। तो चलिए क्या है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या कहती है, मैश टोपोलॉजी सीधे सीधे समझिए भाई, आपने मकड़ी का जाला देखा है, एक दूसरे से कैसे एक छत्ता बनाए रखते, एक छत्ता बोला नेटवर्क जुड़ा रहता है, ऐसी आपकी होती है मैश टोपोलॉजी। यानी कि मैश टोपोलॉजी के नेटवर्क को प्रतिभागी करने के लिए या एक तरह से नोडल के लिए या अन्य एक तरह से डिज़ाइन की तरह तैयार किया जाता है और इसमें कहीं ना कहीं एक साथ जुड़े हुए कहीं ना कहीं होते हैं। यानी कि ये आपका मैश टोपोलॉजी का पहले डायग्राम बना देता हूँ तब समझ में आएगा। ये इस तरह से जाला बना हुआ, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट है, तो कहीं ना कहीं आपके क्या है, इस तरह से ही मैश टोपोलॉजी आपकी चलती है। मैश टोपोलॉजी में क्या करते हैं, प्रत्येक नेटवर्क काफ़ी महंगा होता है, ये क्या होता है, मैश टोपोलॉजी सबसे महंगी मानी जाती है। मैश टोपोलॉजी हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड इसलिए करी जाती है, हाइब्रिड वाली जो आपकी रीम है वो क्या है, दोनों यानी कि कुछ बस टोपोलॉजी ले ली, कुछ ईयर ले ली, वो क्या है थोड़ी सस्ती हो जाती है, पर मैश टोपोलॉजी सबसे महंगी टोपोलॉजी है। क्या होती है, महंगी टोपोलॉजी आपकी। अरे महंगी मैं कैसे लिख दिया, जल्दी जल्दी में यही होता है, ठीक है, महंगी टोपोलॉजी है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, सबसे महंगी टोपोलॉजी मैश टोपोलॉजी होती है। अब इसमें क्या होता है, इस टोपोलॉजी का प्रयोग महंगा होने के साथ साथ कठिन भी है। क्या है, कठिन है इसका टोपोलॉजी का, भाई इससे इधर से कनेक्ट कर रहा है, इससे इधर कनेक्ट कर रहा है, इससे इधर कनेक्ट कर रहा है, तो कभी महंगी तो होगी भाई और कठिन भी होगी। ये एक भी तार इधर उधर हो गया तो कहीं ना कहीं, जैसे आप कहते हैं ना कि भाई एक भी तार इधर उधर हो गया तो कहीं ना कहीं स्पार्क हो जाएगा या क्या है फूक जाएंगी, तो वही आपकी क्या है मैश टोपोलॉजी में भी यही ध्यान रखना जाता है, तार का क्या है जो और जो संचालन होता है उसका ध्यान रखा जाता है। इस टोपोलॉजी का प्रत्येक कोड यानी कि एक तरह से कोड के संकेत में भेजा जाता है और वहीं से प्राप्त करे जाते हैं, ठीक है। और इस नेटवर्क में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए सबसे स्वाभाविक रूप से छोटा रास्ता चुना जाता है। मान लो PC1 है, PC ये 2 है, ठीक है, अब इसे यहाँ से घूम के नहीं जाना, इसे यहाँ से जाना सामने सामने, ये चला गया, छोटा रास्ता हो गया। अब यहाँ अगर क्या है रिंग टोपोलॉजी है और तरह की टोपोलॉजी थी, यहाँ से जाता यहाँ से जाता यहाँ से जाता तब आता। अब इसमें क्या हुआ, इससे सामने चला गया, अब इसे क्या करना है, यहाँ ऐसे नहीं जाना, इसे यहाँ से जाना है, तो छोटा रास्ता चुनता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, छोटा रास्ता चुनेगा, ठीक है, क्या करेगा, छोटा रास्ता चुनेगा। फिर आता है पूर्वत, यानी कि इसके में क्या होता है, पूर्वतः जो जोड़ होते हैं यानी कि नेटवर्क के जोड़ होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और कहीं ना कहीं जो केबल होता है उसमें केबल में गड़बड़ी होने का कम एक तरह से काम को छोड़ा ही नहीं जाता। यानी कि अगर नेटवर्क में कहीं ना कहीं केबल जो है केबल में गड़बड़ी होने पर नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। यानी कि अगर मान लो ये वाला नेटवर्क प्रभावित कर दिया या केबल में प्रभावित हो गया तो नेटवर्क में प्रभाव हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आता है आगे चलते हैं फिर इसके लाभ, सीधे सीधे मान के चलो हम क्या कर रहे हैं,
आप क्या है यानी कि खेल खेल रहे हो, खेल खेल रहे हो, और खेल में क्या कर रहे हो यानी कि जो जहाँ पर क्या है कम दूरी, यानी कि आप इस पीसी वन से इस पीसी टू पर जाने के लिए ये रास्ता चुन रहे हो, तो भाई सबसे छोटा रास्ता है, ये थोड़ी बड़ा रास्ता लोगे, ठीक है, या ये इस तरह से आओगे, छोटा रास्ता ही तो चुनोगे। आप क्या करते हो, आप यानी कि कभी कहीं जा रहे हो और आपको शॉर्टकट का रास्ता है, तो आप शॉर्टकट रास्ते को चुनते हो कि नहीं चुनते हो? ऐसे ही आपका मैश टोपोलॉजी में है, मैश टोपोलॉजी में क्या करना है, शॉर्टकट रास्ता चुनकर हमें काम को जल्दी पूरा करना है, तो क्या करते हैं जल्दी पूरा करते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं इसके लाभ और हानि पर, क्या करते हैं लाभ और हानि पर चलते हैं, इतना ही है, ज़्यादा बड़ा टोपोलॉजी नहीं है, ठीक है। लाभ, लाभ में नंबर वन लिखिए, लाभ क्या है इसके, संकेतों को आसानी से और जल्दी पहुंचाता है, ये क्या करता है जल्दी पहुंचाता है, यानी कि जो उसमें ट्रैफिक को कम करता है और कहीं ना कहीं सूचना को जल्दी पहुंचाता है। फिर क्या होता है, एक कनेक्शन से में गड़बड़ी होने पर की दिशा में दूसरा रूट को पकड़ा जाता है। मैंने क्या बताया अभी, भाई ये ख़राब हो गया, भाई ये लाइन ख़राब हो गई, इधर से चलो जी, आपने क्या देखा है, एक जगह जाम लग रहा है आपके रास्ते में, जब जाम लगा रहता है तो आप क्या करते हो, दूसरे रास्ते को पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते हो? ऐसी ही है, तो क्या करता है एक ख़राब होने पर दूसरे को पकड़ लेता है। फिर क्या आता है, जो नेटवर्क में बिंदु से बिंदु जुड़े होते हैं के कारण कहीं ना कहीं नेटवर्क गड़बड़ी होने का पता आसानी से चल जाता है हमें, अच्छा ये वाला रास्ता ख़राब है आज, तो ये रास्ता ख़राब है तो हम क्या करेंगे दूसरे रास्ते चलेंगे, ठीक है। यही तो कहते हो आप कि भाई यहाँ पर क्या है नाली बन रही है या क्या है सड़क बन रही है, इस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते को चलते हैं, यही तो कहते हो, तो कहीं ना कहीं ख़राब होने का भी हमें पता चल जाता है। फिर आता है आपका इसकी कमियाँ, कमियाँ क्या है, अत्यधिक इसमें वायर होते हैं, क्या है अत्यधिक वायरिंग, दूसरा क्या है आपका, दूसरा इसमें आ जाती है कॉस्टली है ये, ठीक है। फिर क्या आ जाता है, ये कहीं ना कहीं आपके केबल में प्रत्येक यानी कि काफ़ी खर्चीली होगी, जो आपके किसी भी नोडल के स्थान पर काफ़ी मुश्किल होता है कि किसी भी एक तरह से जोड़ना, यानी कि क्या है इसे एक तरह से स्टार्ट करना, या फिर एक तरह से मान लीजिए तारों को एक दूसरे के साथ व्यवस्थित करना, यानी कि तारों को क्या करना है वायरिंग करना, वायरिंग लिख लेते हैं, वायरिंग करना यानी कि मुश्किल है। तो कमियाँ इसकी ये है कि कहीं ना कहीं इसमें ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर देंगी और आपका दिमाग हिला देंगी, क्या कर देंगी आपका दिमाग हिला देंगी, और दिमाग हिला देंगी तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये है स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी सबसे अच्छी इसलिए मानी जाती है क्योंकि एक तो जल्दी काम करती है, काम जल्दी करती है, पर क्या है खर्चीली भी, सबसे महंगी क्या है टोपोलॉजियों में से एक है ये, क्या है आपकी बस टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी इसलिए बनाई गई थी कि उसमें क्या है थोड़ा सा इसका पार्ट ले लें, यानी कि एक तरह से ये मान के चलिए एक जगह आप यहाँ पर मान लो आपका 1 लाख का खर्चा आ रहा है, भाई कितने हो गए 10, ठीक है चलो अब क्या एक और जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है इतना खर्चा आ गया, अब यहाँ पर क्या है आपका इसमें 50% आ गया, क्यों, क्योंकि आपने हाइब्रिड भी ले ली, हाइब्रिड में क्या करा ट्री भी ले लिया, स्टार भी ले ली, आपने मैश भी ले ली यहाँ पर, और बड़ा नेटवर्क बना दिया, तो ये कहीं ना कहीं हाइब्रिड इसलिए यूज़ होती है, तो इसलिए हम चलेंगे अब इसके बाद ट्री और फिर हाइब्रिड, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, थैंक यू।